और जो देश कल सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित था आज वो 11वें नंबर पे है। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं चाइना के बारे में ऐसी बातें जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और जानिए कैसे चाइना अपनी चाल पे चाल चलता है। दोस्तों जहां पूरी दुनिया गूगल बाबा का नाम लेती नहीं थकती, वहीं चाइना ने गूगल को अपने देश में घुसने तक नहीं दिया। सर्च इंजन्स के नाम पर जहां हम पहले एक्सप्लोरर और अब गूगल का इस्तेमाल करते हैं, चाइना ने हमेशा से ही खुद के बनाए हुए सर्च इंजन्स का इस्तेमाल किया है, जिनमें बैडू, कीहू 360 और सोगुहू शामिल है। इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोग बैडू का करते हैं। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे आसान सोशल नेटवर्किंग ऐप, जिसने करोड़ों लोगों को कनेक्ट किया है, चाइना ने इसे भी इस्तेमाल नहीं करने दिया। वहां के लोगों को व्हाट्सएप की जगह केवल वीचैट यूज करने की अनुमति है। और दोस्तों यूसी ब्राउजर के बारे में हम सब जानते ही हैं, ये भी चाइना का ही बनाया हुआ है, जिसे वो गूगल क्रोम की जगह इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वो अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स लगाकर दुनिया को यूसी ब्राउजर का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। और जब हमें शॉपिंग करनी होती है तब हम अमेजोन या किसी अदर शॉपिंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। वही चाइना अपने ग्राउंड साइट Alibaba.com को बढ़ाने के लिए अभी तक अमेजोन को अपने देश में घुसने ही नहीं दिया। यहाँ के लोग पूरे तरीके से अपने ही चीजों का इस्तेमाल करने में लगे रहते हैं। ये लोग सच्चे देशभक्त की तरह बस अपने देश में बनी हुई चीजों को अपनाते हैं और दूसरे किसी देश की चीजों को भाव तक नहीं देते। और दोस्तों सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये कि चाइना अपना व्यापार पूरी दुनिया में फैलने के लिए अरबों का एक्सपोर्ट करता है। जैसा कि भारत को देख लीजिए, हर साल चाइना भारत में करीब 100 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जबकि भारत मुश्किल से ही 5 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। तो आंकड़े देखकर साफ पता चल रहा है कि चाइना केवल भारत से ही अकेले 95 बिलियन का मुनाफा कमा रहा है। चाइना ने अपने लोगों को बांधने के लिए इतने तरीके निकाल दिए हैं कि वहाँ के लोग खुद की ही चीजों को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। चाइना ने हर चीज का अल्टरनेट बना रखा है। जहाँ लोग ट्विटर पे अपना सिर खपाते हैं, चाइना के लोग वीवो के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ तक कि आप सोच भी नहीं सकते, यूट्यूब तक का इन लोगों ने दूसरा वर्जन निकाल रखा है जिसका नाम है यूकू। दोस्तों चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और ये बखूबी जानता है कि अगर उसने किसी भी बाहरी कंपनी को अपने देश में घुसने दिया तब वो आराम से ग्रो कर जाएगा, पर चाइना ऐसा होने ही नहीं देता। इसीलिए उसने हर दूसरी चीज का अल्टरनेट बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। उसका एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, फेसबुक। दुनिया भर में खरबों लोग फेसबुक यूज करते हैं, पर चाइना ने उसे भी घुसने नहीं दिया, क्योंकि अगर फेसबुक चाइना में एंटर कर जाता तो उसका बिजनेस आराम से ग्रो कर जाता, जो चाइना को कभी मंजूर नहीं होगा। दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि कैसे ये दूसरी चीजों को अपने देश में नहीं आने देता, पर खुद हर जगह घुसना चाहता है। चाइना की इसी चालाकी से आप बखूबी समझ गए होंगे कि आज चाइना पूरी दुनिया में राज करना चाहता है और शतरंज की तरह अपने चाल पे चाल चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ये हमें मात दे देगा। पर इन सब के बावजूद भी हम होली दिवाली का सामान लेने जाते हैं तो चाइनीज माल ही खरीदते हैं। लाइट्स से लेकर खिलौनों तक हर चीज, जिससे हम अपने देश का नुकसान और चाइना का फायदा करवाते हैं। और ये नहीं, मोबाइल फोन्स भी हम चाइनीज ही यूज करते हैं। अपने दो मोबाइल फोन्स ओप्पो और वीवो में ही कंपटीशन करवा के हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है, जिससे हम इन दोनों में से एक फोन जरूर खरीदते हैं। अब दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि आजकल क्या ट्रेंडिंग है। लोगों को अपने इशारों पर नचाने वाला ऐप टिकटॉक, ये भले ही चाइना की संपत्ति है पर इसका पूरा लाभ हम जैसे लोग उठा रहे हैं। टिकटॉक पर बहुत हार्ड तेरा घाटा जैसे गानों पर वीडियोस बनाकर हम फेमस होने लगे हैं, पर इसका पूरा का पूरा मुनाफा चाइना ले रहा है, रोज अरबों रुपए कमाकर। अब दोस्तों टिकटॉक पे वीडियोस बनाकर हम अपना भी घाटा कर रहे हैं और अपने देश का भी। चाइना ने टेक्निकल फील्ड और बैटल फील्ड से तो दुनिया को हराया ही है और अब वो कोरोना के जरिए लोगों को बायोलॉजिकली भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोस्तों हमें चाइना को सबक सिखाना ही होगा। उसके लिए हमारा पहला कदम है चाइनीज सामानों का त्याग करना, चाहे वो कुछ भी हो, और खुद भी ये सीखना कि कैसे अपने ही देश की चीजों को इस्तेमाल करके उसको इंटरनेशनल मार्केट में लाया जाए। टिकटॉक यूजर से मेरी अपील है कि वो तुरंत ही उसे